वेलकम दोस्तों। देखिए आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं राशन कार्ड पे जो बहुत बड़ी दोस्तों अपडेट निकल के आ रही है उसके बारे में हम यहाँ पे कंप्लीट जानकारी देंगे। अब देखिए राशन कार्ड पे आप सीधे सीधे यहाँ पे 3 लाख रुपए ले सकते हैं और उनसे कोई भी अपना बिजनेस, कोई भी अपना कारोबार, कोई भी अपना उद्योग धंधा दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आप महिलाएं, चाहे पुरुष हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे दोस्तों शहरी ग्रामीण हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, बस आप भारतीय होने चाहिए और आपके पास ये राशन कार्ड होना चाहिए। अब देखिए क्या प्रोसेस है और क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, कहाँ पे जाके आपको आवेदन करना है, यही प्रक्रिया दोस्तों हम कंप्लीट आपको इस वीडियो में बताएंगे। और थोड़ी सी चर्चा दोस्तों हम यहाँ पे एक देश एक राशन कार्ड जो प्रधानमंत्री ने यहाँ पे लॉन्च किए नई योजना उसके बारे में भी हम आपको थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पे बताएंगे। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है जो कि आप यहाँ 3 लाख रुपए तक का फायदा ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ ही डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई ज्यादा यहाँ पे फाइल्स वगैरह आपको नहीं चाहिए। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपके पास में देखिए राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड के साथ यदि आपके पास है तो वोटर कार्ड यहाँ पे लगा सकते हो, नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो। प्लस दोस्तों उसके साथ में आपको यहाँ पे आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए और वह आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से अटैच होना चाहिए। उसके साथ देखिए किसी भी सरकारी बैंक में आपका एक खाता होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से अटैच होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट लेने के बाद दोस्तों आपको जाना है अपने नज़दीकी सामूहिक विकास केंद्र में। जी हाँ, आपके जिला आपके शहर में सामूहिक जो विकास केंद्र होता है वो हर ज़िले में मिलेगा, हर शहर में मिलेगा। अब देखिए वहीं जाके आपको आवेदन कर देना है जिसमें आपको प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना के तहत सीधे सीधे दोस्तों यहाँ पे 3 लाख रुपए मिलेंगे सिर्फ राशन कार्ड पे। जी हाँ, इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको और कोई प्रॉपर्टी वगैरह लगानी पड़े रिकवरी के तौर पर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ राशन कार्ड पे दोस्तों दिए जा रहे हैं। अब देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या है और बाकी आपको क्या क्या इसमें काम करना पड़ेगा वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। उद्देश्य दोस्तों यह है कि जो हमारे देश में बढ़ती बेरोजगारी है उसको कम करना, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी हो रही है। इसने प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी बड़ी बड़ी योजनाएं जो है लॉन्च की हैं जिनसे बेरोजगारी कम की जा सके और देश यहां पे दोस्तों विकसित हो सके। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले 25 सालों की प्रोग्रेस वह सिर्फ 5 साल में करके दिखाएंगे। अब देखिए बात करेंगे जो एक परिवार एक राशन कार्ड दोस्तों यहाँ पर चलाई जा रही है, जिस योजना के तहत दोस्तों एक देश एक राशन कार्ड यानी कि पूरे देश में आपका एक ही राशन कार्ड वैलिड होगा। यदि मान लीजिए आप पूरे भारत देश के किसी भी राज्य में रहते हैं, देन उसके बाद में आप कहीं का ट्रांसफ़र हो जाता है, आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है या आप किसी कारणवश किसी दूसरे राज्य में जाके बस जाते हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ कि आपको राशन कार्ड वगैरह बनवाने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यदि आपके पास आपने डिजिटल राशन कार्ड बनवा रखा है दोस्तों तो आपको क्या है कि यहाँ पे कहीं भी किसी भी राज्य में जाके आपको यहाँ पे राशन मिलेगा। तो यदि आपने अभी तक डिजिटल राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो डिजिटल राशन कार्ड जरूर बनवा लें अपने CSE सेंटर पे जाके। वहाँ पे क्या है कि आपको पुराना राशन कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है और दोस्तों वोटर कार्ड भी यदि आपके पास है तो ले जाना है और डिजिटल राशन कार्ड के लिए आपको आवेदन कर देना है जिससे कि आपको यहाँ सभी फ़ायदा मिल सकें एक देश एक राशन कार्ड योजना में दोस्तों। और यहाँ पे जो चावल, गेहूँ, चीनी ये वगैरह दिए जाते हैं इनमें काफ़ी रेट में गिरावट की गई है एक देश एक राशन कार्ड के जरिए और काफ़ी यहाँ पे मूल्य भी उनका कम कर दिया गया है। तो यदि आपको इनमें से यह योजना पसंद है और दोस्तों आप इनमें लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताएं और दोस्तों उसके साथ साथ में वीडियो को लाइक करके क्या है कि हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं जिससे कि आपको यहाँ पे जानकारी मिले सबसे पहले और आपको योजनाओं का लाभ मिले सबसे पहले। अब देखिए नीचे कमेंट बॉक्स में नाम देके हमने काफ़ी लोगों को फ़ायदे भी दिलवाए हैं तो आपको भी फ़ायदे चाहिए। जैसा कि और भी काफ़ी योजनाएं चल रही हैं, जैसे स्कूटी योजना चल रही है, आपको स्कूटी योजना में अभी तक लाभ नहीं मिला है, आपको स्कूटी नहीं मिली है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं अपना नाम, अपने राज्य, अपने शहर का नाम। जी हाँ, स्कूटी योजना के बारे में हमने काफ़ी चर्चा की है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं। अब देखिए उसके साथ ही यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता यदि आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप जरूर आवेदन करिएगा, उसके लिए भी हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों आने वाली सभी योजनाओं में सबसे पहले लाभ लेने के लिए नीचे वाला रेड बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ऐसी अपडेट दोस्तों हम पल पल की अपडेट जो नई नई योजना निकल के आती हैं लाते रहते हैं तो उन सभी अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करना आपको पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ये बिल्कुल फ्री होता है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी जानकारी के साथ वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।